फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेटिंग और पजल में से। सेटिंग के क्वेश्चंस कुछ हम ट्राई करेंगे आज, और क्योंकि टाइम कम है और हमें कुछ सेट्स भी लगाने हैं, तो सर ने आपको जैसा बताया है कि नेक्स्ट क्लास से हम कुछ क्वेश्चन के सेट लेके आएंगे जिसमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे, उन्हें भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो दो तीन टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास में बचे हुए हैं, उन टॉपिक्स को भी मैं आगे आने वाली क्लासेस में कवर करता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 8 दिन बचे हुए हैं, 7 से 8 दिन, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर कर सकें। थ्योरी में इसलिए अब नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको नीड ही नहीं है, नीड नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और पजल और सिटिंग के मामले में वैसे भी आप जानते होंगे ज़्यादा थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपके कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखते हैं इन 3 क्वेश्चन के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जब इस तरह के क्वेश्चन, ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन हम करेंगे उसको भी, लेकिन अभी हम बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो फ्रेमवर्क समझ सके कि किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन की, अगर आप चाहें तो खुद से भी उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8 प्लेयर, सचिन, विराट, रोहित, ये सबके नाम दिए हुए हमें। तो 8 प्लेयर यहाँ पे हमें मेंशन किए हुए हैं। तो 8 प्लेयर में क्या किया हुआ है, प्ले फॉर 3 डिफरेंट टीम्स, 3 डिफरेंट टीम के लिए 8 प्लेयर खेलते हैं। तो 8 प्लेयर यदि 3 डिफरेंट टीम के लिए खेलते हैं, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो 3 डिफरेंट टीम है, हमेशा ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में जब भी आप टेबल बनाओगे तो टेबल स्मॉल वाले की बनाओगे। तो यहाँ पे इनमें से स्मॉल कौन है, टीम्स इंपॉर्टेंट है, टीम सबसे ज़्यादा हमारे पास में मिनिमम क्वांटिटी में है, SRH, मुंबई इंडियंस और KKR, ये 3 टीमें हमारे पास में हैं। और इन 3 टीमों में कितने प्लेयर हैं, टोटल 8 प्लेयर हैं। तो अगर मैं एक एक टीम में दो दो प्लेयर रखता हूँ, तब तो उस सिचुएशन के अंदर टोटल 6 ही प्लेयर हो पाएंगे। 3 रख देता हूँ तो 9 हो जाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर मुझे किन्हीं 2 के अंदर तो 2 रखने पड़ेंगे, किसी 1 के अंदर 2 रखना पड़ेगा और बचे हुए 2 के अंदर 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब जाकर के टोटल नंबर ऑफ प्लेयर की जो संख्या होगी, क्वांटिटी होगी, वो 8 हो पाएगी। समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता किस में 3 है और किस में 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है वो यहाँ पे कि ये जो टीमें हैं लाइक करती हैं 8 डिफरेंट कलर्स, ये जो टीमें हैं ये क्या करती हैं, ये 8 अलग अलग कलर्स क्या करती हैं, लाइक करती हैं। और वही सेम सिचुएशन आ गई, 8 अलग अलग कलर्स लाइक करने वाली, ठीक है। तो जब ये टीमें जो हैं 8 अलग अलग कलर्स लाइक करती हैं, तो अब जरा चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन क्या बन रही है। तो कंडीशन देखो किस तरीके से बनेगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमें कह रहा हुआ है कि एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 3, क्या बोला है, एटलीस्ट 2 और नॉट मोर देन 3 प्लेयर्स प्लेज प्ले फॉर द सेम टीम। ये हम जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, विराट प्ले फॉर मुंबई इंडियन एंड लाइक वॉलेट, अच्छा ठीक है, विराट मुंबई इंडियन के लिए खेलता है। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं विराट, और यहां क्या लिख देता हूं, उसे कलर कौन सा पसंद है, वॉयलेट कलर उसे पसंद है, ठीक है। तो विराट को वॉयलेट कलर पसंद है और वो मुंबई इंडियन के लिए खेलता है, ऐसी सिचुएशन यहां पे मेंशन कर रखी है हमने। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। रोहित लाइक्स ग्रीन, रोहित को ग्रीन कलर पसंद है, बट डू नॉट प्ले फॉर SRH, अच्छा रोहित SRH के लिए नहीं खेलता, तो मैं यहां पे क्या करूं, रोहित को लिख करके मैं रोहित को काट देता हूं, क्योंकि मेरे को इससे समझ में आ जाएगा कि यहां रोहित नहीं खेलता, लेकिन उसे कलर कौन सा पसंद है, ग्रीन कलर उसे पसंद है, ठीक है। तो इसका मतलब रोहित या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। आगे चलते हैं, नो वन फॉर KKR लाइक व्हाइट, KKR के किसी भी प्लेयर को व्हाइट कलर नहीं पसंद, तो यहाँ पे मैं व्हाइट लिख करके काट देता हूँ, भैया KKR में जो भी प्लेयर आएगा उनको व्हाइट कलर नहीं पसंद होंगे। आगे चलते हैं, एन रहाने लाइक इंडिगो, अच्छा यहाँ पे ऊपर वाली लाइन रह गई है, द ओनली अदर प्लेयर
ओनली अदर पर्सन इन द सेम टीम विद विराट लाइक ब्लू. देखो इसने हमारा पूरा डाउट क्लियर कर दिया. द ओनली अदर पर्सन, इसका मतलब क्या है, विराट के साथ केवल एक और प्लेयर है जिसको ब्लू पसंद है. इसका मतलब मुंबई इंडियन में कितने हैं, मुंबई इंडियन में दो हैं, SRH में तीन हैं और KKR में भी तीन है, क्योंकि यहाँ पे उसने ओनली अदर पर्सन का यूज कर दिया. इन द सेम टीम विद विराट लाइक ब्लू, इसका मतलब विराट के साथ जो केवल दूसरा व्यक्ति है उसको ब्लू कलर पसंद है. अगर उसको ब्लू कलर पसंद है तो वो है कौन, ये अभी हमें नहीं पता. ठीक है, पर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कौन आएगा. अब देखो रोहित यदि SRH में नहीं आता और उसको ग्रीन कलर पसंद है, इसका मतलब वो मुंबई इंडियन में भी नहीं होगा, क्योंकि मुंबई इंडियन में केवल दो लोग हैं और एक को वॉयलेट कलर पसंद है, एक को ब्लू. ग्रीन किसी को नहीं पसंद. इसका मतलब ये हो गया कि रोहित कौन सी टीम से खेल रहा है, तो रोहित खेल रहा है KKR से और उसे ग्रीन कलर पसंद है. यहां तक क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट अगर हमें कह रहा है, और देखो व्हाइट अगर यहां नहीं आएगा और व्हाइट यहां पे है नहीं, तो SRH ही एक ऐसा है जहां पे व्हाइट कलर आ सकता है. तो एक हमें यह भी मिल गया. आगे चलते हैं, धोनी लाइक्स व्हाइट, तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हाइट के लिए मुझे धोनी मिल गया. धोनी लाइक्स व्हाइट एंड रहाने लाइक इंडिगो. अच्छा, रहाने को इंडिगो पसंद है, लेकिन रहाने कौन सी टीम से खेल रहा है ये नहीं पसंद. तो इसको पता, तो एक काम करते हैं कि रहाने लिख करके हम अलग से मेंशन कर देते हैं कि रहाने को इंडिगो कलर पसंद है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सी टीम से खेलेगा, और दो ही टीमें हैं जिनमें खेल सकता है. अश्विन डज नॉट लाइक ब्लू, अश्विन को ब्लू नहीं पसंद, इसका मतलब अश्विन मुंबई इंडियन में नहीं है. अश्विन मुंबई इंडियन में नहीं है, ठीक है. एंड प्लेस फॉर द सेम टीम विद धोनी, इसका मतलब क्या है, अश्विन जो है वो धोनी के साथ उसी की टीम में खेल रहा है. तो यहां अश्विन आ गया, लेकिन अभी हमें उसका कलर नहीं पता. ठीक है, आगे चलते हैं. सचिन एंड गंभीर बोथ फ्लिप फॉर KKR, यहां तक समझ में आ गया. सचिन और गंभीर और रोहित हमें ऑलरेडी मिल चुका था, तो यहां मैं लिख देता हूं सचिन, यहां मैं लिख देता हूं गंभीर. यहां तक क्लियर हो गया. इसका मतलब मुझे KKR के तीन मिल गए, मुंबई इंडियन के दो मिल गए. अब रहाने को इंडिगो पसंद है तो यहां तो आएगा नहीं, यहां भी नहीं आ सकता, तो रहाने आ जाएगा यहां पे. तो तीसरा प्लेयर भी हमें यहां का मिल गया. तो रहाने जिसको कलर कौन सा पसंद है, इंडिगो. यहां तक क्लियर है. अब मुझे एक पर्सन का कलर, तीन पर्सन के कलर और एक पर्सन का नाम पता करना है. ठीक है, आगे चलते हैं. द वन हु प्ले फॉर KKR डज नॉट लाइक ऑरेंज, उसको ऑरेंज नहीं पसंद जो KKR के लिए खेलता है. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ऑरेंज इन दोनों में से ही किसी एक को पसंद है, मतलब KKR में ऑरेंज आएगा, KKR में ऑरेंज आएगा, यहां ऑरेंज नहीं आ सकता. ठीक है, आगे चलते हैं. गंभीर डज नॉट लाइक रेड, गंभीर को रेड कलर नहीं पसंद. अच्छा ठीक है, गंभीर को रेड कलर नहीं पसंद, तो जरा हम चेक करते हैं. ब्लू कलर हमारे पास में हो गया, सारे पर्सन हो गए, केवल एक पर्सन बचा हुआ है, उसका नाम क्या है, धवन. आई थिंक धवन बचा हुआ है, तो धवन को पहले तो मैं यहां बैठा देता हूं. यहां पे आ गया धवन. अब धवन जब मेरे पास यहां पे आ गया, तो मेरे पर्सन तो सारे कंप्लीट हैं. अब जब पर्सन कंप्लीट हैं, तो जरा मैं चेक कर लेता हूं कि कलर कौन कौन से बचे. रहाने को इंडिगो हो गया, रोहित ग्रीन इधर आ चुका है, व्हाइट यहां नहीं आएगा तो यहां आ चुका है, अश्विन यहां नहीं आएगा तो यहां आ चुका है, ऑरेंज, अश्विन को ऑरेंज नहीं पसंद, अश्विन डज नॉट लाइक ब्लू, अश्विन को ब्लू भी नहीं पसंद और अश्विन डज नॉट लाइक ऑरेंज. द वन हु प्ले फॉर KKR डज नॉट लाइक ऑरेंज, जो KKR के लिए खेलता है उसे ऑरेंज नहीं पसंद. अच्छा अच्छा, द वन हु प्ले फॉर KKR डज नॉट लाइक ऑरेंज, इसका मतलब जो KKR के लिए खेलता है उसे ऑरेंज नहीं पसंद. तो ऑरेंज कहां आ जाएगा, ऑरेंज यहां आ जाएगा. और लास्ट लाइन लिखी हुई थी गंभीर डज नॉट लाइक रेड, तो अगर गंभीर को रेड नहीं पसंद तो रेड किसको पसंद होगा, सचिन को पसंद होगा. इसका मतलब गंभीर को कौन सा कलर पसंद हो जाएगा, तो गंभीर को पसंद होगा हमारे पास में येलो कलर. यहां तक क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. तो यहां पे कंडीशंस जो बन रही हैं, वो कंडीशन आपको समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले ये कि यहां पे हमें आठ लोग दिए हैं, तीन टीम दी हैं, इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक में दो आएंगे और किसी बचे हुए दो में तीन आएंगे, जो कि इसने मेंशन कर दिया है. जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी करता, तो हमें अपने दिमाग से करना पड़ता है. ठीक है, दूसरी चीज ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में ओनली का यूज किया है, क्योंकि जहां पे भी ओनली पर्सन का यूज किया जाएगा उस कंडीशन के अंदर केवल दो लोग बैठ पाएंगे, और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर टीम में दो होंगे, बाकी बचे हुए के अंदर तीन होंगे. इससे हमारा काम आसान हो जाएगा लोगों को बैठाने का. क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं. हु लाइक ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपको पता है किसको पसंद है, धवन को पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज ओनली टू ऑफ द एट प्लेयर, कौन सी टीम है जिससे में केवल दो प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पर्सन प्ले फॉर KKR, तो KKR के लिए कौन खेलता है, हमें पर्सन के नाम बताने, रोहित सचिन.
तो रोहित सचिन गंभीर खेलता है, तो देखो कहां लिखा है, रोहित सचिन और गंभीर, ये रहा रोहित सचिन और गंभीर। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम पर्सन एंड कलर इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। केकेआर में सचिन ऑरेंज लेता है, सचिन पहली बार मेरे हिसाब से ऑरेंज लेता ही नहीं है, ठीक है, तो पहले तो वैसे ही गलत हो गया। विराट ब्लू लेता है मुंबई इंडियंस में, वॉयलेट लेता है, ठीक है। एसआरएच के अंदर अश्विन वॉयलेट लेता है, बिल्कुल भी गलत है। और एसआरएच के अंदर गंभीर येलो लेता है, तो एसआरएच के अंदर गंभीर येलो भी नहीं लेता है, तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दीज। केकेआर में सचिन ऑरेंज, केकेआर में सचिन आ गया ई, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर। तो जब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ विच कलर डज गंभीर लाइक, गंभीर को कौन सा कलर पसंद था, हमें याद है येलो कलर पसंद था। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे टोटल 8 एम्प्लॉयज मेरे को दिए हुए हैं, जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो यदि 8 एम्प्लॉय किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो देखो यहाँ पे हमें कौन सा सेटिंग अरेंजमेंट करना है, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हमें करना है। और मैं अगर यहाँ सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट करूंगा, तो देखते हैं जरा सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में 8 लोगों को किस तरीके से बैठाते हैं। ये हमने यहाँ पे बना दिया 8 पर्सन स्ट्रक्चर, और इस 8 पर्सन स्ट्रक्चर के अंदर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बोला गया है देयर आर 8 एम्प्लॉयज ऑफ सीपी, दैट इज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये दिया हुआ है, हु हैव सिटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टूवर्ड सेंटर, और सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि सेंटर है, तो हम बना देते हैं, वैसे हमें पता होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन बना दिया यहाँ पे कि सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। आगे दिया हुआ है दे हैव डिफरेंट कार, उनके पास अलग अलग कार भी है, मतलब पर्सन के साथ में कार की व्यवस्था भी की गई है, कार का अरेंजमेंट भी किया हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कार भी कौन कौन सी है, ये यहाँ पे कार मेंशन की हुई है या सारी की सारी, ठीक है, ये हमारे पास में कार आ गई। अब कंडीशन नंबर 1 पे आते हैं, तो वन हु हैज नैनो, जिसके पास नैनो है वो कहाँ बैठा हुआ है, तो जिसके पास नैनो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ पी बैठा हुआ है। तो देखो मैं यहां मेंशन कर देता हूं पी, तो पी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो पी के सेकंड टू द राइट कौन बैठा हुआ है, नैनो वाला बैठा हुआ है, जिसके पास नैनो कार है, ठीक है, जिसके पास नैनो कार है वो पी के सेकंड टू द राइट बैठा हुआ है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में कितने एम्प्लॉय हैं, 2 एम्प्लॉय हैं। अब क्या बोल रहा है वो, हु हैज फरारी, ठीक है, देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन टी एंड एस, एस हु हैज फरारी, इसका मतलब ये है एस हु हैज फरारी, क्योंकि एस के तुरंत बाद हु लगा है, और हु हमेशा अपने से जस्ट पहले आने वाले एलिमेंट के लिए ही लगाया जाता है। तो टी और एस के बीच में 2 लोग बैठे हैं, जिसमें से एस के पास फरारी है। चलिए चेक करते हैं फिर। अच्छा, इस पूरे की पूरे कॉम्बिनेशन में मैं टी और एस को बैठा सकता हूँ क्या अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लेस हैं, अगर मैंने इसको बैठाने की कोशिश करी तो मुझे ये दिक्कत हो जाएगी कि मेरे को बहुत सारे डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी इस कंडीशन को अलग से लिख लेता हूँ कि टी एंड एस के बीच में कितने लोग हैं, 2 पर्सन हैं, ठीक है, बिटवीन, और एस को कौन सा कलर पसंद है, तो सॉरी एस को कौन सी कार पसंद है, तो एस को फरारी कार पसंद है, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। आगे चलते हैं, देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन द वन हु हैज i10 एंड v, जिसके पास i10 है और v के बीच में 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, 2 एम्प्लॉयज किसके बीच में है, i10 और v के बीच में है। आगे चलते हैं, q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, q t के इमीडिएट लेफ्ट बैठा है। अच्छा, यहां से मैं एक काम और कर सकता हूं, अगर मैं p के थ्रू नहीं पकड़ पाया तो मैं एक और डायग्राम बना के t के थ्रू पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो q सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अच्छा, एक और दिया है, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, यहां से समझ में आ रहा है, देखो अगली लाइन से मुझे एक कनेक्टिविटी दिख रही है, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अच्छा, अगर क्यू पी की इमीडिएट नेबर है तो 2 जगह पे आ सकती है, तो जब क्यू पी की इमीडिएट नेबर है तो 2 जगह पे क्यू और पी के बीच में कनेक्शन हो सकता है, तो एक तो मैं क्यू को यहां बना देता हूं, ठीक है, और एक दूसरा डायग्राम और हम बना लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो, तो उस डायग्राम के अंदर मैं क्यू को इधर बना दूंगा, पी यहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये हो जाएगा नैनो, यहां तक क्लियर है। अब देखो पहली लाइन देखते हैं क्या लिखी हुई है, क्यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, अच्छा टी के इमीडिएट लेफ्ट, अगर आप इस डायग्राम में चेक करोगे ना, तो वो क्यू टी के इमीडिएट राइट आ जाएगा, दिख रहा है आपको, क्यू टी के इमीडिएट
ये देखो क्यू टी के इमीडिएट राइट आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला डायग्राम तो क्या हो गया गलत, इधर टी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पी बैठा हुआ है। इस वाले डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ तो पी है, तो अगर मैं यहाँ टी को बैठाता हूँ तो टी अगर अंदर देख रहा है तो क्यू टी के इमीडिएट लेफ्ट आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। अब एक और कंडीशन हम छोड़ चुके थे पीछे, उसको भी देख लेते हैं, टी और एस के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। तो टी और एस के बीच में दो लोग हैं तो एस यहाँ भी आ सकता है और दो का गैप छोड़ के एस यहाँ भी आ सकता है। तो मैं लिटरली हल्का सा मेंशन यहाँ कर देता हूँ, एस यहाँ भी आ सकता है और एस यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द वन हु हैज आई ट्वेंटी, जिसके पास आई ट्वेंटी है, और अभी आई टेन की कंडीशन आई थी ना, ठीक है। तो जिसके पास आई ट्वेंटी है, हु हैज आई ट्वेंटी फेसेज द वन हु हैज ऑल्टो, जिसके पास आई ट्वेंटी है वो ऑल्टो की तरफ देख रहा है। तो आई ट्वेंटी अपोजिट टू अल्टो, ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमने मेंशन कर ली है। वी सिट इमीडिएट राइट टू द वन हु हैज फरारी, जिसके पास फरारी है उसके इमीडिएट राइट में कौन है, वी है। अच्छा, एस के पास ही फरारी थी ना, तो उसके इमीडिएट राइट में क्या यहाँ आपके आपको वी दिख रहा है? नहीं नहीं, यहाँ तो पी बैठा हुआ है, इसका मतलब ये तो एस गलत हो गया। तो हमारा सही वाला एस कौन सा हो गया? हमारा सही वाला एस ये हो गया कि एस यहाँ बैठा है। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, वी इज इमीडिएट राइट टू द वन हु हैज फरारी। तो अगर एस, दो ही कंडीशन बन रही थी एस की, अगर एस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में तो उसके इमीडिएट राइट में वी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पी बैठा हुआ है, इसलिए एस यहाँ है। उसके पास गाड़ी कौन सी है? उसके पास गाड़ी है फरारी, और फरारी उसके पास गाड़ी है तो उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? तो उसका इमीडिएट राइट ये होगा, यहाँ कौन बैठा हुआ है? वी बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। डब्ल्यू एंड आर सिट टुगेदर बट आर डज नॉट फेस पी, अगर मैं आर को यहां बैठा दूं तो वो पी को फेस कर देगा, इसका मतलब आर यहां तो नहीं आएगा। और डब्ल्यू और आर एक साथ बैठे हैं तो यहां पे से कहीं पे भी डब्ल्यू और आर एक साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि केवल एक ही जगह है। तो यहां पे किसको आना पड़ेगा? डब्ल्यू को, और यहां किसको आना पड़ेगा? आर को। यहां तक बात क्लियर हो गई, सारे आ गए, केवल कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, तो यहां कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा, ठीक है। अभी गाड़ियों के मेरे को ये नहीं पता कि कौन कौन से गाड़ियां पसंद है किस किस को, ठीक है। ऑल्टो के अपोजिट आई ट्वेंटी है, एक कंडीशन अभी भी हमारे पास बची है, टी और एस के बीच में दो है, तो ये पूरी कंडीशन खत्म हो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे उसने दिया हुआ है द वन हु हैज सेंट्रो फेसेस द वन हु हैज आई टेन, आई टेन और सेंट्रो एक दूसरे के अपोजिट है, एक और कंडीशन मिल गई, आई टेन अपोजिट टू सेंट्रो, एक और मिल गया मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं, P does not have I 20. P के पास I 20 नहीं है, तो P के पास I 20 नहीं है, तो मैं यहाँ I 20 लिख करके mention कर देता हूँ कि P के पास तो I 20 नहीं है और किसी के पास हो सकती है। तो I 20 के अपोजिट ऑल्टो है, तो उस कंडीशन में I 20 Q के पास भी नहीं हो सकती, इसके पास नहीं है, इन तीनों के पास नहीं हो सकती, इसके पास हो सकती है, इसके पास भी I 20 नहीं हो सकती क्योंकि उसके अपोजिट ऑल्टो है, इसके पास नहीं हो सकती, इसके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही दो हैं U और R वाले जिन पे I 20 और Alto में से कोई एक गाड़ी है। तो I 20 oblique Alto और Alto oblique I 20, यहां तक क्लियर है, ये इन दोनों की कंडीशन आ गई हमारे पास में। आगे चलते हैं, आगे एक I 10 और Centro का दिया है, तो ये देखो I 10 और Centro का भी हम देख लेंगे। तो I 10 और Centro यदि साथ में है तो वो कहां बैठ सकते हैं? I 10 और Centro यहां बैठ सकते हैं। तो देखो I 10 या Centro में से किसी एक की कंडीशन यहां आ जाएगी, I 10 या Centro, I 10 या Centro, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे आते हैं, जब मैं आगे आऊंगा तो आगे मेरे पास दिया हुआ है कि P does not like I 20, ये हो गया। The one who has safari, जिसके पास सफारी है, is an immediate neighbor of U, जिसके पास सफारी है वो U का इमेज, तो यहाँ तो सफारी आ नहीं सकती, इसका मतलब सफारी को यहाँ आना पड़ेगा। तो सफारी अगर यहाँ पे आ गई मेरे पास में, तो सफारी जिसके पास में है वो U का इमीडिएट नेबर है, तो ये कंडीशन बन गई, द वन हु हैज सफारी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। अब देखो इस पूरे केस के अंदर मैं इसको काट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, इसको कट कर देते हैं। अब मुझे ये क्लियर नहीं है बस, बाकी सबका मुझे क्लियर है। एक गाड़ी और बच रही है मेरे पास में, और वो कौन सी बच रही है? स्विफ्ट बच रही है। तो स्विफ्ट किसके पास आ जाएगी? स्विफ्ट आ जाएगी क्यू के पास। अब कंडीशन ये आ रही है आई टेन सेंट्रो, और इनकी कंडीशन कैसे अटक रही है, तो जरा फिर से देख लेते हैं। ऊपर हमने जो कंडीशन देखी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था द वन हु हैज नैनो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, लिखा हुआ था, हमने इसको छोड़ा था ना, द वन हु हैज नैनो इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया था। आगे देखो, देयर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन टी एंड एस हु हैज फरारी, एस के पास फरारी है, ये हमें क्लियर हो गया। देयर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन द वन हु हैज आई टेन एंड वी, जिसके पास I10 और V है उनके बीच में दो लोग हैं। तो I10 और V के बीच में क्या बोला है उसने?
देयर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन द वन हु हैज I-10 एंड वी. I-10 और वी के बीच में यदि दो एम्प्लॉयज हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास में है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, जरा चेक करते हैं. I-10 और वी के बीच में यहाँ तो दो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं. अगर मैं I-10 और वी की बात करता हूँ तो देखो इस वाले केस के अंदर आपको दिख रहा है, हमने क्या कहा था, P के पास I-20 नहीं है, लेकिन P के पास ऑल्टो तो हो सकती है क्योंकि हमें V और I-10 के बीच में दो बनाने थे ना. तो चलो मैं आगे आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ. एक डायग्राम तो हमारा ये गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर मैं दो का गैप नहीं दे सकता, लेकिन देखो इसके अंदर तो दे सकता हूँ क्योंकि कंडीशन हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी. हमने एक कंडीशन मिस कर दी थी, ये कंडीशन को. P हो गया हमारे पास में, Q के लिए स्विफ्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अगर मैं T की बात करूं तो T के लिए नैनो आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं, एक मिनट. ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर है. अब देखो इसके बाद में हमारे पास यहां पे R आ गया, ये भी क्लियर है. यहां W आ गया, ये भी क्लियर है. यहां S आ गया, ये भी क्लियर है. S के लिए फरारी आ गई, ये भी क्लियर है. ठीक है, यहां पे V आ गया, V के लिए सफारी आ गई, ये भी क्लियर है. ठीक है, और यहां U आ गया. अब देखो हमने क्या कहा था कि ऑल्टो और I-10 का कॉम्बिनेशन यहां बैठा दो. मैं कह रहा हूं ऑल्टो और I-20 का कॉम्बिनेशन यहां बैठ सकता है, तो यहां भी तो बैठ सकता है P और W के लिए. लेकिन उसने क्या कहा था कि P के पास कौन सी नहीं है, I-20 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां I-20 मत बैठाओ, यहां कौन सी बैठा दो, ऑल्टो बैठा दो. मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, यहां I-20 मत बैठाओ, यहां कौन सी बैठा दो, ऑल्टो. और I-20 को कहां बैठा दो, W के पास बैठा दो. कंडीशन गलत नहीं हुई ना. अब कौन सी दो बची, I-10 और सेंट्रो. I-10 और सेंट्रो बची, तो देखो I-10 और सेंट्रो में से I-10 जो है और V के बीच में, I-10 और V के बीच में कितने लोग, कितनी लोग बैठे हुए हैं, तो देखो यहां लिखा हुआ था देयर आर टू एम्प्लॉयज बिटवीन वन हु हैज I-10 एंड V. तो देखो V यहां आ गया तो यहां I-10 नहीं आ सकता, लेकिन दो के गैप से I-10 में यहां लिख सकता हूं और यहां पे मैं किसको लिख सकता हूं, सेंट्रो को लिख सकता हूं. बात समझ में आ गई. तो कभी कभी ऐसा होता है कि केस में हल्की सी दिक्कत हो जाती है एक लाइन की वजह से, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको वापस से एक बार चेक कर लेना है जाकर के, अगर गलती दिख रही है तो उसे करके और कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. तो यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं. इसका दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग है सफारी, तो सफारी किसके पास है, अभी अभी हमने देखा वी के पास सफारी है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, वैन वैन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम आर. आर का क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो कितने लोग बैठेंगे, वन. हु अमंग हैज नैनो कार, तो नैनो कार किसके पास है, टी के पास. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड और सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज स्विफ्ट, स्विफ्ट के सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा है, तो स्विफ्ट के सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा है, स्विफ्ट का लेफ्ट इधर चलेगा, तो सेकेंड लेफ्ट कौन बैठा है, यू बैठा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैव स्विफ्ट एंड द वन हु हैव I-20 व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द स्विफ्ट. स्विफ्ट के क्लॉकवाइज चलो, स्विफ्ट का क्लॉकवाइज यही है, स्विफ्ट और किसके बीच में, आई के बीच में, तो स्विफ्ट और I-20 के बीच में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, कितने लोग हैं, 4, मोर देन 3, यानी नन ऑफ दीज. ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु हैज स्विफ्ट एंड द वन हु हैज I-20 व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द वन हु हैज स्विफ्ट. तो स्विफ्ट के जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है ना, तो उसके क्लॉक चलूंगा तो 1, 2, 3 और 4, S, U, V और S, P, ये चारों की चारों I-20 और स्विफ्ट के बीच में दिखाई देंगे. यहां तक सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें 8 लोग हैं. ठीक है, ये जो 8 लोग हैं ये दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं. देखो क्या लिखा हुआ है, सिटेड इन अ बस, एक बस के अंदर विच हैज टू पैरेलल रोज, एक बस है जिसके अंदर दो पैरेलल रो हैं, उन दोनों पैरेलल रो के अंदर कौन बैठे हुए हैं, ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं. यहां तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी बात. अब बैठाना कैसे है पैरेलल में ये देखते हैं. 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, कौन देख कहां रहा है ये देखना है. ईच रो के अंदर कितने हैं, 5 सीट हैं. देखो 8 लोग हैं, हर रो में 5 सीट है, मतलब टोटल कितनी सीट है. ठीक है, आगे चलते हैं. ऑल 8 फ्रेंड्स हैज सिटेड ऑन द टू ऑन दीज ऑन दिस टू पैरेलल रोज, इन दो पैरेलल रो के अंदर ही सारे 8 के 8 दोस्त बैठे हुए हैं. सी डी ई और एफ हैज सिटेड इन अ फर्स्ट रो. यहां तक मेरे को क्लियर है, इसने एक काम आसान कर दिया, मेरे को पोजीशन दे दी है,
मतलब मेरे को कंडीशन बता दी है कि पहली रो में ये बैठा है, दूसरी रो में ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सी डी ई और एफ जो है वो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एक रो का कॉम्बिनेशन यहां बना लेता हूं। ये मेरी एक रो हो गई, ये मेरी दूसरी रो हो गई, ठीक है। दोनों में सीट कितनी है, पांच सीट हैं, और सीटें हमेशा आपस में एक दूसरे के फ्रंट्स के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। तो यहां क्या दिया हुआ है, अच्छा पहली रो नॉर्थ में देख रही है, ठीक है। तो जब इस तरीके से है और पहली रो नॉर्थ में देख रही है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये क्लियर है, ठीक है। दो पैरेलल रो है, अगर कुछ नहीं दिया हो तो अपने मन से नहीं बनाना है कि सर ये नीचे ये वाली रो साउथ में भी तो देख सकती है, नहीं, जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बात यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा इस वाली रो में जो नीचे वाली रो है, यही तो है जो नॉर्थ में देख रही है, इसमें कौन है, सी डी ई और एफ, और जो ऊपर वाली रो है उसमें कौन है, जी एच आई और जे, जी एच आई और जे, क्लियर है। और ये कहां देख रहे हैं, आई थिंक ये साउथ में देख रहे हैं, यही लिखा होगा, ठीक है, एंड फेसेस टू द साउथ, ठीक है। ये हो गई रो नंबर वन, ये हो गई रो नंबर टू। आगे आते हैं, ईच फैन बिलोंग टू द डिफरेंट सिटी, ये भी आपको समझ में आ गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग सिटी भी दी हुई है, साथ साथ में पांच सीट दी हुई है लेकिन बैठे चार लोग हैं। कंडीशन नंबर वन देखो क्या कह रही है, कंडीशन नंबर वन कह रही है ई सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ द वैकेंट सीट, ई नीचे है वैकेंट सीट के सेकेंड टू द लेफ्ट बैठा हुआ है, ठीक है, और नीचे वाले सारे नॉर्थ में देख रहे हैं। तो देखो दो कंडीशन बन सकती है, अगर वैकेंट यहां है तो फर्स्ट सेकेंड ई सेकेंड टू द लेफ्ट यहां आ जाएगा, अगर वैकेंट यहां है तो फर्स्ट सेकेंड ई यहां आ जाएगा, और अगर वैकेंट यहां है तो ई आ जाएगा। तीन केस बन रहे हैं मेरे पास में, तीन केस के अंदर एक बार वी यहां आ रहा है, एक बार वी यहां आ रहा है, और एक बार वी आ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में एक बार ई यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। इसको अभी हम छेड़ते नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, डी हु इज फ्रॉम कानपुर, डी कहां से है, कानपुर से है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं डी कहां से है, कानपुर से है, ये क्लियर हो गया। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वैकेंट सीट, डी वैकेंट सीट का इमीडिएट नेबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी इमीडिएट नेबर अगर वैकेंट सीट का है और वैकेंट सीट यहां है तो डी यहां आ जाएगा, अगर वैकेंट सीट यहां है तो दोनों में से कहीं भी आएगा। मेरे हिसाब से यहां तक की बात क्लियर होगी। द वन हु फेसेस डी, वो व्यक्ति जो डी को फेस करता है, द वन हु फेसेस डी इज वैकेंट, ठीक है, जो डी को फेस करता है वो वैकेंट है, तो इसका मतलब ये वैकेंट कौन सी रो में होगा, ये वाला वैकेंट सेकेंड वाली रो में होगा। द वन हु फेसेस डी इज वैकेंट एंड एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, एच जी के इमीडिएट राइट है, तो ठीक है। एक बार ध्यान रखना, ये साउथ में देख रहे हैं, तो अगर मैं एच जी को राइट में बैठा रहा हूं जी के, तो ये ऐसे बैठेगा, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जी का राइट इधर चला जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर जी साउथ में देख रहा है तो उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें कि द वन हु फेसेस डी इज वैकेंट एंड एच इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, एच जी का इमीडिएट राइट है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, जी हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू भोपाल, जो भोपाल से बिलोंग करता है जी उसके भी राइट में है, इसका मतलब ये वाला जो पर्सन है ये भोपाल से बिलोंग करता है। यहां तक क्लियर है, ये जो थर्ड पर्सन है ये कहां से बिलोंग करता है, भोपाल से बिलोंग करता है, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते चलते हैं, इसी के नीचे तीन वैकेंट सीट होंगी ना, ये बना दिया हमने, आगे चलते हैं। सी फेसेस जे, सी किसको फेस करता है, जे को फेस करता है, मैं थोड़ी देर के लिए सी और जे को फेस करवा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। सी फेसेस जे, जे हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वैकेंट सीट, जे सेकंड टू द राइट है वैकेंट सीट के, इसका मतलब इस साइड ही राइट होगा। तो अगर मैं वैकेंट सीट को इधर लेता हूं, देखो सबसे पहली कंडीशन बनाता हूं, है ना, तो उसके सेकंड टू द राइट ये कौन हो जाएगा, अगर ये वैकेंट सीट है तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जे, ठीक है। जे के अपोजिट कौन है, सी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि एच जी और भोपाल, तो एच जी और भोपाल है, तो एच जी भोपाल ये नहीं हो सकता, एच जी भोपाल ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जे बीच में आ रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि एच इसको होना पड़ेगा, जी इसको होना पड़ेगा, और इसको क्या होना पड़ेगा, भोपाल होना पड़ेगा। यहां तक भी बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। और वैकेंट सीट के अपोजिट कौन था, अभी अभी थोड़ी देर पहले पता लगा हमें, डी वैकेंट सीट के अपोजिट बैठा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, और डी कहां से बिलोंग करता है, कानपुर से बिलोंग करता है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो डी फ्रॉम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वैकेंट सीट, अच्छा इमीडिएट नेबर इसका मतलब सेकेंड वाली, इस वाली रो का वैकेंट सीट कौन है, अपनी नीचे वाली रो की वैकेंट सीट है ये वाली।
बात मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी। और ये क्या दिया हुआ है देखो पढ़ो, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट। ई नीचे ही है, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब पहला लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ में देख रहा है, तो ये कौन हो गया, ई हो गया। यहां तक क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एफ एंड डी सिट एट एक्सट्रीम एंड, एफ और डी एक्सट्रीम एंड पे है। देखो डी यहां पे आ गया, इसका मतलब एफ और डी मतलब एफ यहां आ जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे है ऑफ द रो, ठीक है। आई बिलोंग टू डेली, आई डेली से बिलोंग करता है। देखो यहां पे केवल एक आई ही बच रहा है, तो वो कहां से बिलोंग करता है, डेली से बिलोंग करता है, ठीक है। एच डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ, अगर एच लखनऊ से बिलोंग नहीं करता तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, तो एच लखनऊ से बिलोंग नहीं करता तो यहां से हम क्या काट देंगे, यहां से हम लखनऊ काट देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, द वन हु बिलोंग टू कोलकाता सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग टू पुणे, पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है जो कोलकाता से है, पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में। तो देखो यहां भी बन सकती है कंडीशन और नीचे भी बन सकती है कंडीशन, तो बना के रख लो बस कि पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में कोलकाता है, तो कोलकाता पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में है, दो कंडीशन में बन सकता है। अगर नीचे वाली रो के लिए लोगे तो ये कंडीशन, ठीक है, और ऊपर वाली रो के लिए लोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में कोलकाता है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है सी एंड एच डज नॉट बिलोंग टू पुणे, सी और एच जो है वो पुणे से बिलोंग नहीं करते। तो देखो सी अगर पुणे से बिलोंग नहीं करेगा तो पुणे के लिए नीचे वाली कंडीशन क्या थी कि कोलकाता पुणे के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर ये पुणे नहीं होगा तो ये कोलकाता नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर ये पुणे हो जाता है तो ये कोलकाता हो जाएगा, ई पुणे होता है तो एफ कोलकाता हो जाएगा, और अगर एच पुणे नहीं है तो इसका मतलब ऊपर वाली रो में तो ये आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो गलत ही हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ई को होना पड़ेगा पुणे और इसको होना पड़ेगा कैलकटा, ठीक है। अब तीन बचे हुए हैं हमारे पास में, क्या दिया हुआ है देखो, द वन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम पुणे बिलोंग्स टू गोवा, जिसका फेस पुणे के अपोजिट है वो कहां से बिलोंग करता है, वो गोवा से बिलोंग करता है। देखो एक और आ गया, अब केवल दो लोग हमारे पास में बचे हुए हैं, एच को लखनऊ नहीं पसंद, इसका मतलब लखनऊ से कौन बिलोंग करता है, लखनऊ से सी बिलोंग करता है, तो केवल एक बचा हुआ है हमारे पास में, कौन बचा हुआ है, हमारे पास में बची हुई है पटना, तो पटना से एच बिलोंग करता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेज द वन हु बिलोंग टू डेली, डेली को बिलोंग करने वाले के अपोजिट में कौन बैठता है, वैकेंट सीट है, कौन है, वैकेंट सीट। हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो भूल मत जाना ऊपर वाली रो में तो ये लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे है। आगे चलना, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो वन, रो वन ये है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड कौन है, एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु बिलोंग टू पटना एंड भोपाल, पटना और भोपाल के बीच, पटना और ये रहा भोपाल के बीच में कितने, एक जी। यहां तक क्लियर है। और आखिरी क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एच, एच को कौन फेस करता है, तो एच को फेस करता है एफ या कलकत्ता से कोई भी एक, ठीक है। तो कौन आ गया, एफ आ गया, क्योंकि एफ ही कोलकाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को बात क्लियर होगी। तो देखिए आज हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिसमें से हमारे पास में दो सिटिंग के थे, एक को आप पजल की कैटेगरी में डाल सकते हो, पर वो भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन था। तो ध्यान रखिए कि पजल और सिटिंग के क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए, कुछ पीडीएफ मैं आपको इनइक्वालिटी की भी दूंगा, अभी सिलॉक्स की भी दूंगा और पजल सेटिंग की भी दूंगा, कुछ सेट भी मैं इनके आपको कराऊंगा, तो हम कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो प्लीज आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर को सब्सक्राइब करना तो कतई ही ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।